अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कितने टाइप की जो होती हैं हार्डनेस होती हैं पाइप की, ठीक है, सॉरी वाटर की कितने टाइप की हार्डनेस होती हैं, ठीक है। हार्ड वाटर सॉफ्ट तो नॉर्मल होता है, हार्ड वाटर कैसा होता है, ठीक है, क्या हम उसकी हार्डनेस खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस वीडियो लेक्चर में इसको जानेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। जो पानी जो है तुम्हारे पास जो है अच्छे तरीके से जो है सोप को झाग नहीं बनाता, अच्छे तरीके से सोप को जो है यूटिलाइज नहीं करता, उसे कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर अच्छे खासे जो है डिजोल्व साल्ट्स होते हैं लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, बायकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स, ठीक है, और दूसरे भी हैवियर मेटल होते हैं। हैवियर मेटल क्या होते हैं? हैवी मेटल मैंने आपको प्रीवियस पांचवें चैप्टर के भी अंदर समझाया था, एटमॉस्फेयर वाले के चैप्टर के अंदर तुम्हारे पास एसिड रेन के अंदर हैवी मेटल वो होते हैं जिनकी डेंसिटी आई थिंक 4.5 जो है सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर ज़्यादा होती है, आई थिंक सो एक लिमिट तक होती है, क्या एक लिमिट तक डेंसिटी होती है तो वो नॉर्मल मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स की फॉर सपोज एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, हमारे लिए। हार्ड वाटर जो होता है तुम्हारे पास क्या पाइप्स वगैरह या डोमेस्टिक अलायंस वगैरह होती है, डोमेस्टिक अलायंस क्या होती है, इसके लिए क्या करता है, पाइप हमारे घर के अंदर होते हैं टंकी से आ रहे होते हैं लोहे के पाइप, तो उसको जंग देता है, उसको ख़राब कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। हार्ड वाटर वहाँ से बनता भी है, ठीक है, पानी है वहाँ पर हार्ड वाटर है तो उसके तराश आएंगे, वहाँ पे आयंस होते हैं तो वो पानी के अंदर मिक्स हो सकते हैं। और दूसरी बात तो हार्ड वाटर उस पाइप्स को ख़राब भी करता है, ठीक है, जैसे हमारे पास टूंटियाँ वगैरह हो गई घर की, ठीक है ना, लोहे की है, तो उसको वो जंग देता है, ठीक है, वो क्या करता है, जंग देता है। अब वो कैसे जंगेगा, वो इसका रिएक्शन करवाएगा ऑक्सीजन के साथ या किसी और, रिएक्शन उसका फास्ट करवा देगा, ठीक है, माइट बी पॉसिबल ऐसे हो सकता है। सी एंड ओशन आर दी सोर्सेज ऑफ हार्ड वाटर, सी और ओशन जो होते हैं तकरीबन हमारे पास साल्टिश ही वाटर होते हैं, प्योर वाटर बहुत ज़्यादा कम मिलता है, वो हार्ड वाटर ही होता है। दो टाइप की वाटर की हार्डनेस होती है, ठीक है, यहाँ पर हार्ड नहीं है, हार्डनेस होगा हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। टेम्पररी इजिली रिमूव हो जाती है और जो है परमानेंट के लिए आपको पापर मिलने पड़ते हैं, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे आती है, कैल्शियम बायकार्बोनेट CaHCO32, ठीक है, एंड मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, ठीक है, ये दोनों जो अगर साल्ट प्रेजेंट हैं तो ये क्या होंगे, टेम्पररी होंगे, तो इनको हम इजीली पानी को बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं, पानी को बॉयल करके फिल्टर वगैरह लगा के रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। आपको पता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, एवोपरेशन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हैवी, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक हैवी मेटल्स पाए जाते हैं और दूसरे क्या होते हैं तुम्हारे पास क्लोराइड्स, ठीक है, CaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जो सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन के सल्फेट और एल्यूमिनियम के सल्फेट जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि इसके अंदर, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर वो बॉयलिंग से रिमूव नहीं होती, ठीक है, बॉयलिंग से रिमूव नहीं होती, ठीक है। द सम ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस रिफर्ड एज टू टेम्पररी टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, हमारे पास टेम्पररी अगर एक पानी है उसके अंदर हम भाई हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर के अंदर भी तो कोई चीज़ें प्रेजेंट होंगी, फॉर सपोज मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट, उस कैल्शियम के बायकार्बोनेट, तो दोनों को मिलाकर जो तुम्हारे पास हार्डनेस बनेगी उसे कहते हैं टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिग्री भी होती है वाटर की हार्डनेस कितनी होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ डिजोल्व कैल्शियम एंड आयन जो है मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, कितने मिलीग्राम एक लीटर, सॉफ्ट वाटर में 0 से लेकर 16.1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, स्लाइडली हार्ड वाटर में 16 से लेकर 60 मिलीग्राम, मॉडरेट यानी दरमियाना 60 से 120 तक मिलीग्राम पर लीटर, हार्ड वाटर जो होता है 121 से लेकर 180 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत ही ज़्यादा होता है, मोर देन 180 मिलीग्राम पर लीटर होता है वेरी हार्ड वाटर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर की जो होती है पोलर नेचर होती है तो वो डायरेक्टली CaCO3 की फॉर्म में नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मतलब ये इन द एंड बात समझाऊँ, ये हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।